नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो वाटर टैंक देख रहे हैं, इस वाटर टैंक को आज हम बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। मेरे साथ इससे पहले भी आपने केटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर इस कंपोनेंट को बनाया है। चलिए आज हम इसे बनाना शुरू करते हैं इन्वेंटर पर। पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल को क्लोज़ कर दिया, अब यहाँ से देखिए न्यू पर क्लिक किया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वो स्क्रीन है जब हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं जो सबसे पहले हमारे सामने आती है, ये वही स्क्रीन है। यहाँ से न्यू पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन में न्यू फिर से आया, मैंने दोबारा न्यू पर क्लिक किया। देखिए मेट्रिक में मुझे फाइल ओपन करनी है तो ये यहाँ से ये सेलेक्ट होना चाहिए और स्टैंडर्ड MM.IPT इस पर डबल क्लिक किया। तो अब जो फाइल हमारे सामने आएगी इसकी यूनिट MM में होगी। अब देखिए ये इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने आ रहा है। यहाँ से मैंने ये ओरिजिन पर इसे एक्सपेंड किया, अब कंट्रोल की को प्रेस किया और साथ में ये देखिए इन तीनों प्लेन्स को सेलेक्ट किया एक एक करके और किसी भी एक प्लेन पर राइट क्लिक कर कर इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दिया। अब ये हमें परमानेंटली प्लेन्स जो है वो शो होते रहेंगे। यहाँ से देखिए होम पर क्लिक किया तो ये ओरिएंटेशन हमारे सामने आता है प्लेन्स का, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो मैं स्टार्ट 2D स्केच पर जाता हूँ। स्टार्ट 2D स्केच पर जाने के बाद यहाँ से मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया। एक्स वाई प्लेन लेने के बाद यहाँ से लाइन लाइन क्या, यहाँ से रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, 2 पॉइंट रेक्टेंगल। ये एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया और एक पॉइंट ऐसे, एस्केप दबाकर बाहर आ गए कमांड से। अब ये डायमेंशन पर गए, लाइन पर क्लिक किया, देखिए डायमेंशन नज़र आ रही है, इसको मैंने कर दिया 750। ओके, और अब जूम आउट किया थोड़ा, इसको स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब डायमेंशन में ही है, अब ये लाइन जो है इसकी हाइट हमने दे दी 1500, 1500 टाइप करके एंटर प्रेस किया, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। यहाँ से आ जाते हैं लाइन पर, ये पॉइंट पर क्लिक किया, ऊपर की तरफ लेकर गए कर्सर को। देखिए जो लाइन वाला बॉक्स आपका हाईलाइट हो रहा है, इसमें हमने टाइप किया 200 और एंटर प्रेस किया। देखिए एक लाइन जो है 200 mm की यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गई। अब यहाँ से आर्क कमांड को यूज़ करेंगे, 3 पॉइंट आर्क लिया, पहला क्लिक ऊपर, दूसरा क्लिक यहाँ नीचे, और देखिए आर्क वाला जो जहाँ पर हमें आर्क की वैल्यू देनी है रेडियस की, वो बॉक्स हाईलाइट हो रहा, तो यहाँ हमने टाइप किया 1500 और एंटर प्रेस कर दिया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। तो देखिए ये एक आर्क बन गई यहाँ पर जिसकी जो रेडियस है वो 1500 है। अब मैंने ये लाइन जो है इसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये बन गया हमारा प्रोफाइल। अब यहाँ से हम एक फिलेट करेंगे, यहाँ पर फिलेट दे देंगे, फिलेट पर क्लिक किया, यहाँ वैल्यू दे दी 50 और एक क्लिक इस लाइन पर, एक क्लिक इस लाइन पर, ये दोनों के बीच में 50 का एक रेडियस बन गया। ओके, बाहर निकल आया कमांड से, फिनिश स्केच पर क्लिक किया। फिनिश स्केच पर क्लिक करने के बाद ये स्केच को हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ओके चलिए अब रिवॉल्व में जाते हैं, रिवॉल्व कमांड पर क्लिक किया और ये है हमारे लिए एक्सेस, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम एक प्लेन ऑफसेट करेंगे। ये वाला जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है इसको हम ऑफसेट करेंगे ऊपर की तरफ 1710 mm पे। प्लेन पर गए, ऑफसेट फ्रॉम प्लेन का ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने इस प्लेन पर क्लिक किया और यहाँ से ये देखिए हमें नज़र आ रहा है ये एरो, इसे ड्रैग करके ऊपर लेकर आते हैं और यहाँ टाइप करेंगे 1710 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये 1710 mm की हाइट पर एक प्लेन हमें मिल जाता है। अब इस प्लेन पर हमें एक स्केच बनाना है, स्टार्ट 2D स्केच। स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया, थोड़ा सा इसे हम और नज़दीक लाते हैं अपने, जूम इन करते हैं। यहाँ से मैं देखिए रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये 3 पॉइंट सेंटर ये ऑप्शन ले लेते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक किया और ऐसे इस तरह से देखिए ये रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए देखिए इसकी जो ये विड्थ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स करनी होगी हमें। लेंथ तो इस सर्कल से, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इसे हम यहीं फिक्स कर लेते हैं, 250 ये चाहिए हमको। अब देखिए 250 किया तो ये भी बड़ा हो गया, बस सॉरी छोटा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ से इसे ड्रैग करके ये देखिए ये हमने बड़ा कर लिया, ठीक है। इसकी लेंथ हमारे लिए मैटर नहीं करती, बस ये लेंथ जो है इस सर्कल से, ये जो 1500 mm का सर्कल है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर से हम रेक्टेंगल पर जाते हैं, फिर दोबारा वही कमांड ली, ऐसे ही एक वर्टिकली हमें एक रेक्टेंगल बनाना है और यहाँ से हमने इसे लिया 250। वही प्रोसीजर है सेम, यहाँ पर ये छोटा नहीं हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे ड्रैग करने की, ये यही कंडीशन हमें चाहिए। इसके बाद फिर से मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगल कमांड पर और फिर से वही 3 पॉइंट सेंटर कमांड ले रहा हूँ,
और यहाँ से ये देखिए, ये जो पॉइंट है सेंटर का, ये लिया, इधर आगे बढ़े, देखिए क्लिक इधर और एक क्लिक इधर। अब ये हमें बनाना है 600 बाई 600 का, तो ये लिया 600 और ये भी हो गया 600। ओके, अब इस रेक्टेंगल रेक्टेंगल का ये जो स्क्वायर हमने बनाया 600 बाई 600 का, इसे हमें रोटेट करना है। रोटेट पर क्लिक किया, ये सेलेक्ट पर क्लिक किया, देखिए अभी कर्सर के साथ प्लस नहीं आया, फिर से दोबारा क्लिक किया, अब आ गया। अब यहाँ से एक एक करके देखिए, मैं कंट्रोल की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके इन चारों लाइनों को सेलेक्ट किया स्क्वायर की, सेंटर पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर क्लिक किया और सेंटर पॉइंट देखिए ये रहा। ओके, यस पर क्लिक किया, वैल्यू दे दी 45 और एंटर प्रेस किया। ठीक है, ये कॉपी पर चेक मार्क नहीं होना चाहिए, अगर कॉपी पर चेक मार्क होगा तो जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो भी रहेगा और उसकी कॉपी रोटेट हो जाएगी। डन पर क्लिक किया हमने। अब हमें एक सर्कल बनाना, देखिए ये यहाँ से एक बड़ा सर्कल बना के ऐसे छोड़ दिया हमने। डायमेंशन इसका, जब डायमेंशन लेंगे इसे करेंगे 1500। ओके, अब देखिए ट्रिमिंग शुरू करनी है हमें यहाँ से। ट्रिमिंग शुरू करने से पहले हम ये जो 250 वाली जो ये एस्केप दबाकर बाहर निकले हम कमांड से, ये डिलीट कर दी डायमेंशंस। अगर ये डायमेंशन हम डिलीट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये ट्रिमिंग नहीं हो पाएगी, ट्रिमिंग आसान नहीं होगी। हम ये सब डिलीट कर देते हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं हमें मन चाहे साइज में तो हम इसे ले ही आए, इन डायमेंशंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लिया ट्रिम और 1 2 3, ये देखिए इस तरह से हमने देखिए ये पोर्शन डिलीट कर दिया। अब डिलीट करते वक्त थोड़ा सावधान रहना कि क्या हमें डिलीट करना है क्या नहीं करना है, ये थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ना है। एक छोटा सा गलत सिलेक्शन पूरे स्केच को बिगाड़ देगा, तो थोड़ा सा देख कर और आराम से धीरे धीरे इसे डिलीट करें। ये देखिए ये छोटी छोटी लाइनें अगर बीच में रह जाएंगी तो स्केच कंप्लीट नहीं होगा, और अगर हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं, रिवॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये ज़रा सा भी कोई एक हल्की सी छोटी सी लाइन या पॉइंट भी अगर रह जाता है तो ये ट्रिमिंग करते वक्त थोड़ा सा देख कर ट्रिम करें कि कुछ रह ना जाए। ये देखिए तो ये हमारा जो प्रोफाइल है ये तैयार हो गया। यहाँ से मैंने फिनिश स्केच पर क्लिक किया। ओके, इसके बाद एक्सट्रूड पर क्लिक किया, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने इसका डायरेक्शन चेंज करके इसे नीचे की तरफ ले जाना है। यहाँ पर हमें वैल्यू जिसकी डेप्थ की देनी है वो देनी है 210 mm, 210 दिया, ओके पर क्लिक कर दिया, एक बार फिर से ज़रा ये एक्सट्रूजन पर डबल क्लिक किया मैंने। यहाँ पर ये देखिए ये ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन पर क्लिक होना बहुत ज़रूरी है। ओके किया, ज्वाइन मतलब यूनियन, जैसे यूनियन हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में और अदर कमांड्स में भी। तो ये देखिए यहाँ से ये अब वाटर टैंक जैसा शेप आ रहा है धीरे धीरे। अब मैंने फिर से स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक किया, ये ऊपर वाले सरफेस पर क्लिक किया, यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल कमांड की मदद से देखिए ये पॉइंट लिया, यहाँ क्लिक किया बाहर, एस्केप दबाया। अब डायमेंशन ये कर दिया हमने 400 mm का, फिनिश स्केच और एक्सट्रूड पर क्लिक किया, ये इसकी हाइट हमने दे दी 60 mm और ओके कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब हमें हमें ग्रूव्स बनाने होंगे कुछ, तो ग्रूव्स बनाने के लिए स्टार्ट 2D स्केच, कोई भी हम खड़ा हुआ प्लेन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो हमने ये ले लिया। यहाँ से सर्कल, ये देखिए सर्कल हमने बनाना है इस तरह से, देखिए आधा इसके अंदर जाएगा आधा बाहर रहेगा। और यहाँ से पहले तो ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, इस पहले तो इसका डायमीटर ले लेते हैं 70, कंट्रोल जेड किया, इसको बाद में लेंगे, पहले इसका ये चेक कर लें। यहाँ से व्यू में गए,
विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम। देखिए वायर फ्रेम में हमें ये नज़र आएगा साफ तौर पर। अब यहाँ से आप जाते हैं कहाँ, ये स्केच में देखिए डायमेंशन, ये जो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए हमने 150। ओके, इसके बाद 150 हो गया, लॉक हो गया ये, इसको हम कर देंगे 70। देखिए बाकी ये पॉइंट इस पर यहाँ से हमने बनाया तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हालांकि वो 750 होना चाहिए। यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि फिनिश स्केच करते हैं। फिनिश स्केच करने के बाद ये देखिए, ये इस स्केच 4 पर डबल क्लिक किया मैंने, दोबारा गया। अब देखिए ये लाइन यहाँ पर जो हाईलाइट हो रही है ये अपने आप प्रोजेक्ट हो गई थी, इसे हटाना ज़रूरी है, मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब फिनिश स्केच पर आ गए हम। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि फिर से स्टार्ट 2D स्केच, फिर वही खड़ा हुआ प्लेन ले लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लाइन बना लेंगे यहाँ से एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन देने के लिए, ये रही है आपके लिए लाइन, ये ऊपर हम ले गए, इसको ऊपर ले जाएंगे, चाहे छोटी सी एक लाइन बना लें काफ़ी है, वो केवल हमें एक रेफरेंस के लिए ये लाइन बनानी है। और अब यहाँ से इसका विजुअल स्टाइल चेंज कर देते हैं, विजुअल स्टाइल में गए, रियलिस्टिक में आ गए, रियलिस्टिक की जगह शेडेड विद एजेस कर देते हैं जो कि पहले था। 3D मॉडल पर दोबारा आते हैं, यहाँ से रिवॉल्व पर क्लिक किया, और इसके बाद देखिए ये प्रोफाइल तो ऑलरेडी आपका सेलेक्टेड है, वन प्रोफाइल यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट एक्सिस यानी कि ये देखिए इस तरह से ये सर्कल जो है पूरा इसके चारों तरफ घूम गया। ओके पर क्लिक किया तो देखिए ये इस तरह से ये नज़र आएगा, प्रोजेक्टेड पोर्शन आधा सर्कल अंदर है आधा इसके बाहर है। अब इसे हम पैटर्न करेंगे, पैटर्न कैसा, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये देखिए ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न, इस पर क्लिक किया, फीचर्स पर गए, यहाँ पर देखिए मैं क्लिक किया, अभी तक यहाँ पे कर्सर के साथ प्लस का मार्क नहीं आया, दोबारा क्लिक किया, इस बार आ गया। रेवोल्यूशन 2 पर क्लिक किया, इसके बाद डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें चाहिए ये वाला, ये देखिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमें 6, और डिस्टेंस इनके बीच में होना चाहिए 230। ये देखिए प्रीव्यू नज़र आने लगा, ओके पर क्लिक किया, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट पैटर्न हो गया इस तरह से। ओके, जब इसे हमने पैटर्न कर लिया, अब हम यहाँ पर कुछ कॉर्नर्स जो हैं उन्हें राउंड राउंड करते हैं, तो उसे ज़रा राउंड करते वक्त बहुत ध्यान रखना है हमें। यहाँ से लिया हमने फिलेट, वैल्यू दी यहाँ पर 25 mm, यहाँ लिया लूप, ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, ये ओके, ये पूरा सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। इसके बाद देखिए ये दोबारा लूप में आए, अब देखते हैं इस बार हमें कौन सा लूप मिल रहा है। ये लूप मिल रहा है और अप्लाई, ठीक। इस बार फिर से हमने ले लिया क्या, ये देखिए ये अक्सर जो है वो फिलेट करते वक्त झंझट होता है, तो फिलेट करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, सिलेक्शन बहुत ही मतलब आप ध्यान से करें, फिलेट से फिलेट मैच कराने में अक्सर दिक्कत हुआ करती है, और केवल इसमें नहीं हर जगह हर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप काम करते हैं तो ये दिक्कत आती है। चलिए यहाँ से ये पोर्शन तो फिलेट हो गया, एक ये भी कर लेते हैं, लगे हाथ ये जो गर्दन इसकी नेक वाला पोर्शन है, यहाँ से अप्लाई किया और कैंसिल किया ऐसे, ठीक है।
यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी कॉर्नर्स जो हैं वो फिलेट हो चुके हैं, और अब इसमें रह जाता है केवल शेल करना। तो चलिए शेल यूज़ करते हैं। अब हम शेल पर क्लिक किया और रिमूव फेसेस, देखिए इस पर क्लिक किया, अभी भी प्लस नहीं बनकर आया इसके साथ, ये अब आया। ये जो फेस है इसे हमें रिमूव करना है। ओवरऑल थिकनेस हमें देनी है 3 mm। ओके, तो 3 टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया है। ये देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें अब नज़र आएगा। देखिए खोखला हो गया। ये ओवरऑल थिकनेस इसकी 3 mm है। इसे अब हम व्यू में जाते हैं, अब इसके हम ये जितने भी प्लेन्स नज़र आ रहे हैं इनको हम ऑफ कर देते हैं एक एक करके। कंट्रोल की प्रेस किया हुआ मैंने, जितने भी प्लेन्स हैं इसमें, जैसे ये वर्क प्लेन ये हमने बनाया था चौथा, राइट क्लिक किया, विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा और हमें सही नज़र आ रहा है ये। यहाँ से व्यू में दोबारा गए, विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैं इसका कुछ अपियरेंस चेंज करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर मैनेज नॉट, ये है अपीयरेंस, यहाँ है मटेरियल, मटेरियल लिया हमने यहाँ से। यहाँ पर हम सर्च करेंगे चलिए रबर ले लेते हैं, यहाँ पर रबर लगा कर देखते हैं इसमें ये कैसा दिखेगा। Part 2 देखिए, यहाँ से ये जो मॉडल ट्री है यहाँ से Part 2 लिया, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, एड असाइन टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से इसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इस तरह से ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। इन्वेंटर की एक खास बहुत मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि इसमें जो मटेरियल लाइब्रेरी है वो बहुत अच्छी है। काफ़ी अगर हम मटेरियल अप्लाई करते हैं तो बहुत ही रियलिस्टिक सा दिखने लगता है कॉम्पोनेंट। तो हालांकि और सॉफ्टवेयर्स में भी है, लेकिन मुझे इसमें इन्वेंटर सबसे बढ़िया लगता है। तो दोस्तों ये था वाटर टैंक इन इन्वेंटर 2020 है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।